हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना एफजी और आप सभी को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। तो जी हाँ, मैं आया हुआ हूं फरोशा कोटला ईद की नमाज पढ़ने के लिए और मैंने ले लिया है अपना टिकट जो कि पड़ा है 25 रुपए का। पहले ईद की नमाज के लिए टिकट नहीं होता था और जुमे की नमाज के लिए भी नहीं होता था, पर अब टिकट लगता है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं यार, अब है तो लेना तो पड़ेगा, चलो चलते हैं यहाँ की मस्जिद की तरफ। यहाँ पर जामा मस्जिद है जिसमें कई नमाज होती हैं, 3 होती हैं नमाज ईद की, ताकि लोग आते रहते हैं और जिनकी कहीं छूट जाती है तो पढ़ लेते हैं। और हाँ भाई, यहाँ नापाकी की हालत में तो गलती से कभी मत आना, क्योंकि यहाँ पर है जिनों का साया और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा पेड़ तो कभी देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ शायद दिल्ली के अंदर। बहुत बड़ा ये पेड़ था। अब हमें सीधा जाना है, वहीं पर ही है जामा मस्जिद जिसमें होनी है नमाज, एकदम सीधा आपको दिख रही होगी, हाँ वहीं पर। और उसके साइड में ही है अशोका स्तंभ जो फरोशा तुगलक ने लगवाया था। ये रही जामा मस्जिद और इसके नॉर्थ में ही यहाँ पर ये अशोका स्तंभ है, अशोक का पिलर, जिसपे ब्रह्म इन स्क्रिप्ट्स में कुछ लिखा हुआ है, यार एशियन स्क्रिप्ट मुझे इतना नहीं मालूम है, ये अम्बाला से लाया गया था उस टाइम पर। चलो अंदर चलते हैं। और इसी पिलर के नीचे जो कमरे वगैरह है ना, उनके अंदर जिन्नात रहते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि जिनों का कोट लगता है, जैसे होता है ना कोट वगैरह, कोट कचहरी, उसी तरीके से। खैर हम चलो ज़रा मस्जिद के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। हालांकि इसका स्ट्रक्चर अभी टूट गया है यार, 700 साल से भी पुरानी ये मस्जिद है और कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और थोड़ी देर में अभी नमाज भी पढ़ेंगे, कुछ इस तरीके का यहाँ का स्ट्रक्चर हो गया है। हाँ तो मैं क्या बताया था, वो सामने आपको स्तंभ दिखा होगा कि यहाँ पर नया जिन वगैरह रहते हैं, तो नापाकी की हालत में कभी नहीं आना और फीमेल्स को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। वैसे यहाँ पर हर जुमेरात को लोग आते हैं और मुझे ना प्यास लग गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा पानी भी पी लिया जाए इन मटकों से। पानी पीने के बाद मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ कि जुमेरात को लोग बहुत आते हैं और यहाँ पर दिए जलाते हैं, चूड़ियाँ डालते हैं, खिलाते वगैरह हैं, अपनी अर्जियाँ लगाते हैं, कोई भी परेशानी होती है जिन नात लोग से कहते हैं कि वो पूरा कर दे। हालांकि अल्लाह पाक ने जिनों को बनाया था आग से, बिना धुएं की आग से, और इंसान को बनाया है मिट्टी से, तो जिन्नात भी यहीं रहते हैं पर वो हमें दिखते नहीं हैं, पर वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की फॉर्म में आते रहते हैं, तो थोड़ा बचकर तो रहना ही चाहिए। खैर मैं तो इस सब चीज़ में मानता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ और उन्हीं से अपनी सारी चीज़ों के लिए कहता हूँ। अब नमाज का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। यहाँ हो रही है तकरीर और ईद की नमाज के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। और नमाज शुरू होने वाली है बस। और आप सभी को ईद मुबारक, सब लोग गले मिल रहे हैं और ईद की नमाज हो गई है, तो अब हमारी ईद की हो गई है शुरुआत। फाइनली ईद की नमाज पढ़ ली है और इसके बाद अब जाएंगे घर। पर थोड़ा सा पहले आपको दिखा देता हूँ आसपास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे ना मैं एक बात बताऊँ, जो ये जिन्नात होते हैं ना यार, इनसे मुझे भी बहुत डर लगता है, और स्पेशली बिल्ली की शक्ल में और सांप की शक्ल में तो बहुत आते हैं। यहाँ पर इन्होंने ना बहुत सारे एरियाज़ को बंद कर दिया है, क्योंकि लोग ना मतलब उनको डैमेज भी कर देते थे और यहाँ पर ना आ भी जाते हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर, तो वो सर पटकते हुए आपको दिख जाएंगे या कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, तो इस तरह इसलिए ना यहाँ पर बंद कर दिया गया है काफ़ी सारी जगहों को। स्पेशली जो अशोका स्तंभ वाला ये एरिया है, इसको तो वैसे ही बंद कर दिया गया है, ताले वगैरह लगा दिए हैं। पहले ये खुला रहता था, लोग यहाँ पर बहुत अगरबत्ती जलाना हो गया, अपनी अर्जियाँ लगाते थे, लेटर्स लिख लिख कर लगाते थे कि उनको ये परेशानी है, ताकि वो जो जिन है ना वो पूरा कर दे। वैसे यार सभी धर्म के लोग आते हैं, पर नॉन मुस्लिम ज़्यादा आते हैं और वो यहाँ पर बोलते हैं लाठ वाले बाबा, क्योंकि जो पिलर है ना उसको पता नहीं वो लाठ बोलते हैं कुछ भी। खैर थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए और वापस वहाँ से आ गए हैं, और आप भी बच कर रहो। और अब तो ये पूरा खंडर ही बन गया है, उस टाइम पे यार क्या ज़माना था जब फरोशा तुगलक का ये ज़माना था, और आज ये चीज़ खंडर बन गई है, पर फिर भी खड़ी हुई है। और यहाँ पर ना लोग थोड़ा कम से ही आते हैं, बस नमाज के लिए ही आते हैं। और ये जो पत्थर बने हुए हैं ग्रेफाइट के हैं और शायद लाइम के बने हुए हैं, और आपको भी ना थोड़ा बच कर ही रहना चाहिए यार इन सब चीज़ों से। लोग आते तो हैं, अपनी अर्जियाँ लगवाते तो हैं, पर
मेरे को तो बहुत डर लगता है यार, जनरली मैं बता रहा हूँ, तो जिन वगैरह से ना बचकर ही रहना चाहिए। खैर ये शुरू हो गई है, घर जाएंगे, आराम करेंगे, मज़े करेंगे, और आप थोड़ा सा देख लीजिए किस तरीके के पूरे वीराना से खंडर बन चुके हैं, और फिर उसके बाद मैं घर को निकलूँगा। और हाँ, बाहर निकलते निकलते ना मैं आपको स्टेडियम भी दिखाऊंगा, फरोशा कोटला स्टेडियम जो इसके बगल में ही है, और हम बाहर आ चुके हैं। यह है किले की दीवार, और बस अब आगे बढ़ेंगे और रास्ते में पड़ेगा फरोशा कोटला स्टेडियम, तो भी दिखाता हूँ आपको। ये फरोशा कोटला स्टेडियम है, आईपीएल जैसा कि आपको बताया चल रहा है, गेट नंबर 10 के लिए टिकट्स मिल जाएंगे, यहाँ 9 की एंट्री होती है, इसी तरीके के गेट बने हुए हैं। और आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।